खाना कर दिया। गाइस बाहर बाजार में मिलता है स्प्रिंग वाटर, बस असली स्प्रिंग वाटर। ये क्या पकड़ा है आपने हाथ में, क्या पकड़ा है? किसको बोल रहे बच्चे? बच्चे को, बच्ची को आगे ही गाड़ी के सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दो तकती, जो यहाँ से 60-70 किलोमीटर है। वहाँ जाके मैं आपको उस जगह के बारे में बताती हूँ, ठीक है? मैं हूँ, चले। रास्ता काफी खराब था, बॉडी पूरी हिल गई अंदर से। सर शाओ सो स्प्रेवर सर, ये अच्छा लगा ये थी पंचा चाबे जमान में एच पासन ओवर आरएस नहीं। रास्ता बड़ा खराब था। नहीं रास्ता ठीक है, गलत रास्ते से। अच्छा, गांव के बीच में से फर्स्ट क्लास रास्ता। हाँ यहाँ से तो रोड ठीक है।
ये क्या पकड़ा है आपने हाथ में? क्या पकड़ा है? बिरयानी का देखचा। बिरयानी आज किसने बनाई है बिरयानी? तूने और किसने? आपकी बीवी ने। हाँ। कौन सी बिरयानी है, चिकन मटन? चिकन चिकन। खाना कर दिया हमने स्टार्ट, बिरयानी। ले में हो तू भी पी ले, पी ले, पी ले, कोई बात पी ले, खाओ बस, चोगली खाओ, खाओ चलो खाओ ने, वो भी आ रहा है तू। अरे नहीं पीस निकाल, जान सभी है। मैं स्टार्ट करूं राजा, ठंडा हो गया। स्टार्ट करो थोड़ा, देख कितना दे रही है। पापा को अच्छा दे दे, ले जा खा। पापा लो क्या, जब मैं कोई गोल्डन पीता तो मैं पेनफुल हो जाता है। प्लेट्स का और खाओ जल्दी, खाओ जल्दी, मैं चल बैठ खाओ। इसमें तो यही थी, उधर ही तो है तेरे पास। पता तो तुम अच्छा मैं खिलाऊं? बैठ रहा हूं मैं खिलाऊं आपको? जाना खुद खुद खाया करो, अपने हाथ से मजा आता है खाने का। चिकन खा लो ना, थोड़ा सा चिकन चल सुतो देखा कहीं कहीं कूदते कूदते मुझे चल रही है। अच्छा ये डाइजेस्ट हो जाएगा। भी कर दिया बोला, उन्हें खुद बोला आपको, खुद बोला ले लो, दे रही है आपको। देखा अपना खाना खा रही है,
धूप एकदम से तेज आ रही है फिर छाव आ रही है ना। काओ को भी तो कुछ दो। काओ को क्या दे, हमने तो चिकन लाया। काओ थोड़ी ना चिकन खाती है। काओ देखो अपना वो खा रही है, ग्रास खा रही है काओ। आचार करे बंद। आपने खा लिया? मेरे हाथ पे पानी डालो पहले, फिर मैं बंद कर दूंगी। ये हटिया कहां से? साइड में कॉर्नर में जानवर घूम रहा है। कॉर्नर है, आओ ना उधर फेंकते साइड में। तो क्यों बैठ रही है? ये उठा ला इस पे, एक ही में डाल दे। पानी मत पी, इससे थोड़ी आओ। और सुना रुक पर दिस पर बोलो क्या आंख में कर दे। इसको प्यास लगी है शायद, गाय को ना प्यास लगी है इसको, है ना इसको प्यास लगी है। आपको वाटर पीने जाना? खाना हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस पानी वाली जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो फॉल है, वाटरफॉल है, वहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ, दूध जैसा नाम, मैं कह रही जिसका दूध जैसा नाम है, दूध पथरी। क्या है वहाँ? वहाँ का पानी दूध जैसा है। अच्छा, वहाँ का पानी दूध जैसा है इसलिए नाम दूध पथरी। हाँ सामान रख रहे हैं हम सारा गाड़ी में और उसके बाद जाएंगे हम ऊपर दूध पथरी। आज उतना क्राउड नहीं है गाइज, यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा क्राउड होता है सैटरडे संडे, अगर आप वीकेंड में आओगे ना तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है। आज उतना क्राउड नहीं है, ये रख दो गाड़ी में। घोड़े पे चढ़ना है? आप चढ़ोगे घोड़े पे? आउच, आ जाओ। मैं हूँ, बाय बाय। डर भी लग रहा है बट मजा आ रहा है। बादल कितने अच्छे हैं, बिल्कुल व्हाइट बादल है, सफेद बादल है। जब हम आए थे तब काफी धूप थी बट इस टाइम मौसम काफी अच्छा हो गया है, ठंडी हवा चल रही है। आपको मजा आ रहा है बच्चे? मजा आ रहा है या डर लग रहा है? बस भैया आगे से थोड़ा सा करके ना वापस ले जा रहा हूँ। नदी है या फॉल है देखते हैं वहाँ जाके, और सभी कहते हैं कि दूध जैसा पानी होता है तो देखते हैं कितना वाइट पानी है वो। आप गए हो यहाँ पे कभी? आए हो? आप ही फर्स्ट टाइम आए हो ना? और बस मजा आ रहा है, कश्मीर में एंजॉय कर रहे हो? और क्या, ऐसा मौसम हो तो और क्या चाहिए इंसान को। सही है ना, जून में ऐसा मौसम, धूप में आप चल रहे हो, ठंडी बर्फीली हवा। फिर वो गाना बन गया, घोड़ा घोड़ा दौड़ा, क्या है वो, दुम उठा के दौड़ा, मैं हूं का घोड़ा दौड़ा। मैं घोड़ा दौड़ा आपका? चलो चलो बैठो गाड़ी में, आगे चलो, मम्मा को बैठना है, और थोड़ा सा आगे हो जाओ।
है, पैदल थोड़ा चलना है, गाड़ी नहीं लगाई है। मक्खी लेंगे पहले। कब से ढूंढ रहे थे मक्खी मिले, मिल गई मक्खी है। वो वाली बड़ी छोटी सी है, वो रहने दो, बड़ी वाली दो ना कोई। फेवरेट चीज तो मुझे मिल गई है, गांव की मक्की का अपने मजा। चलो चलो वाटर देखना है ना, वो दूध वाला अच्छा मैं हूँ। गाइस दूधपत्री का एक्सपीरियंस तो सच में ऑसम था यार, इतना मज़ा आया ना मैं क्या बताऊँ। और मैं हूँ फाइनली थक गई और मेरे कंधे पे चढ़ गई, बट आज का जो ट्रिप था हमारा दैट वाज
टोटली डिफरेंट। मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ जाके इतना मज़ा आया ना, इतना इन्जॉय किया हमने, और पानी जो था वो लग रहा था सच में कि दूध ही निकल रहा है। और अब हम जा रहे हैं वापस। गाइस हम उतर रहे हैं गाड़ी से और रास्ते में उतरे हैं। भैया बोल रहे हैं यहाँ पे कोई स्पेशल चाय बनती है, पिंक चाय पीने आए हम। ये देखिए, ये गाय का दूध होता है यहाँ पे। अच्छा, गाय का दूध। हाँ जी, सही कोई बात, स्पेशल गाय का दूध है। स्पेशल गाय का दूध। तुझे लपन चाहिए? तुझे पीनी है? मेहू को भी पीनी है। ये जो चाय होती है इसको कहते हैं कश्मीरी में शीर चाय। इसका कलर बिल्कुल पिंक होता है। अभी हम देखेंगे, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। ये यही दूध पथरी से जब हम जा रहे हैं वापस, तो रास्ते में ही आते हैं टेंट्स लगे हुए हैं। यार कौवे देखो कितने मोटे मोटे हैं यहाँ पे, कौवे का साइज देखो गाइस। इन्होंने चेयर्स भी लगाई है और ये बैठने का भी, अगर किसी को बैठ के चाय पीनी है तो बैठ के भी पी सकते। अच्छा यहाँ पे बैठना है, मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। क्यों, आपकी तो फेवरेट है। अच्छा क्या रे, इधर बैठेंगे, यहाँ व्यू ज्यादा अच्छा आ रहा है। चलो गाइस, मक्की की रोटी भी बन रही है यहाँ पे गरम गरम, आपको दिखाती हूँ। ये देखो स्पेशल मक्की की रोटी बन रही है, मक्की का आटा है ना ये, यही गूंध के और उसी टाइम फ्रेश फ्रेश मक्की की रोटी भी बन रही है। और साथ में ये चाय में क्या है, पीला पीला क्या है ये, घी डाला? आपने खानी है मक्की की रोटी, खानी है साथ में चाय के? अभी वो बिरयानी खा के पेट इतना फुल हो गया कि कोई जगह ही नहीं। चाय पीना से डाइजेस्ट होएगी, चाय का बेसिकली ये जो चाय होती है कहते हैं इससे ना खाया पिया सारा डाइजेस्ट हो जाता है। आपको 5 रुपए का किस्ता मिलेगा खाना कुछ भी, लेकिन क्यों, यहाँ साफ और शुद्ध, इसमें मिलावट नहीं, ये प्रॉब्लम। शुद्ध शुद्ध देसी रोटी, तो बस सारी समझ। हां फिर रिकॉर्ड देता है। अच्छा गाइस हमारी आ गई है शीचा, पिंक चाय नहीं है, चाय के बारे में ये देखो पिंक पिंक, लेकिन हम इसके बात कर रहे हैं नमकीन चाय, मक्की चाय होती है ये इनका नाम होता है। दूध भी घर का ही है ना, ये दूध है ना गाय का। अच्छा गाय का, हाँ, मैंने बोला ना भाई साहब को अगर सूखा दूध का चाय पियोगे मैं रास्ते पे, चाय से बड़ा सा वो इतना पाउडर का दूध पियोगे मैं आपको क्या कुछ ऐसे खा लूंगी। हां ये दूध से नहीं साथ में मक्की की रोटी का एक टुकड़ा है, सॉफ्ट कितनी मक्की की रोटी, साथ में मक्की की रोटी, लग रहा परोंठी भी बनाई हुई है, सॉफ्ट है। गाइस ऐसी मक्की की रोटी मैंने आज तक नहीं खाई है सच में, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी पतली रोटी है जैसे परोंठी होती है ना बिल्कुल पतली, और इतनी क्रिस्पी। हाँ 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 हाँ, पिंक चाय पी के और मक्की की रोटी खा के पेट हो गया बिल्कुल फुल। मजा आया आपको? मैंने तो कितनी क्रिस्पी थी, बहुत ही टेस्टी थी चाय और मक्की की रोटी, एक से बढ़कर, और इतने साफ सुथरे तरीके से बनाई थी उन्होंने, पूरा लग रहा था जैसे घर की रोटी बनी है।